आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इंट्रो में ब्रो, इस साल का फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे हॉबी से ही आ गया, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया। और ब्रो आपका इंट्रो का लास्ट क्वेश्चन क्या था? लेकिन हमसे वो क्वेश्चन पूछे सर। अच्छा, लेकिन बाकी चार लोग, मेरे बाद भी चार लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अगर बाकी चार लोग का आंसर आप सही से देते हैं। जब मैं चेयर छोड़ रहा था, इंटरव्यू मेरा ओवर हो गया, सर बोले कि थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग पापा सॉरी पे रैपिड फायर राउंड करेंगे। रैपिड फायर राउंड का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने यूपीएससी मेंस लिखने के लिए कौन सा पेन यूज किया? प्रीलिम्स एक्चुअल एग्जाम देने से पहले प्रीलिम्स का आपने कितने मॉक दिए थे? ब्रो आपने इंटरव्यू का कितने मॉक दिए थे? व्हिच कैटेगरी इज योर फेवरेट कैटेगरी इन यूपीएससी? यूपीएससी के दौरान में गर्ल्स का कितना रोल रहा आपके? हे गाइस वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट पापा सॉरी? यस पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टर and the tagline is dare to say no to one more attempt, right? So guys today आज जो हम लोग साथ जो guest बैठे हुए हैं ना guys, वो काफी special guest हैं sorry पे, और उनका वो दो बार interview दे चुके हैं UPSC, और उनकी journey के बारे में हम लोग जानेंगे इस talk में। और ये guys काफी casual talk होने वाला है और काफी unfiltered talk होने वाला है guys UPSC journey को लेके। तो guys आप लोग इस interview में बने रहिए, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। So, Sandesh bro, welcome on Papa's Story. धन्यवाद सर। Guys, जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम संदेश हुआ और उन्होंने इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है, तो मतलब 2024 में इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। आपका रिजल्ट कब आया था यूपीएससी का, जो 2023 का जो मेंस का जो फाइनल रिजल्ट कब आया था? मेंस का रिजल्ट 8 दिसंबर को आया था। 8 दिसंबर को सितंबर में मेंस हुआ था और 8 दिसंबर को इस CSE 23 मेंस का रिजल्ट आया। तो ब्रो आपका आर्ट बिल्कुल रिजल्ट आया और आपको जब पता लगा कि मेरा वो रिजल्ट आ गया है और क्वालिफाइड कर चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, तो वो इंटरव्यू मतलब आप कैसा फीलिंग था उस टाइम का 8 दिसंबर का, जो फीलिंग्स बताइए। मतलब उस जब कितने बजे रिजल्ट आया था आप बताइए? आई थिंक 6 बजे के आसपास आया था, शाम को आया था, 6 बजे सामने आया था और मैं उस समय घर पे था। मैं एग्जाम देकर आप मतलब घर पे थे कुछ दिन, रुका था दिल्ली में, फिर घर पे होम टाउन चले गए, फिर अपने घर पे चला गया था। तो और मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा था। अच्छा होम टाउन में रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दिल्ली निकलूंगा। हां तो क्योंकि घर के लोगों के साथ रहना और रिजल्ट का एक अच्छा एंजॉय करना, तो अब ब्रो ये तो काफी स्पेशल मोमेंट हो गया आपके लाइफ का कि आप घर में थे और आपका रिजल्ट यूपीएससी का उसी घर में आया। तो आपका रिएक्शन, आपका फैमिली का रिएक्शन, मतलब बहुत लोग खुश थे, सारे लोग खुश थे। मतलब आप उस टाइम सबसे पहले किसको बताए थे, मतलब कि आपने फादर को बताया था कि मॉम को बताया था? मैं जब बैठा था और जब रिजल्ट आया तो हम वेट कर रहे थे, एक दूसरे ऐसा हो रहा था कि अभी आने वाला है। तो मतलब आप लोग अवेयर थे कि मतलब कि आने वाला है रिजल्ट? हाँ, ये पता था कि रिजल्ट आज या कल में आने वाला है, एक दो दिन से वेट चल रहा था। लेकिन 6 बजे शाम को आया, तब पापा थे बैठे वहाँ पे, चाचा भी थे मेरे, मम्मी भी थी, तीन लोग बैठे हुए थे। तब तक मैं आया कि रिजल्ट तो आया है, मैं चेक करता हूँ मेरा, तो चेक किया तो हो गया था। मुझे इस बात का उम्मीद था कि रिजल्ट तो हो जाना है, क्योंकि पहले एक बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। और कुछ मार्क्स से मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया और ये 23 मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू मैंने इस बार भी दिया। इस बार भी दिया। तो ब्रो आप जैसे आपने घर में थे 8 दिसंबर को, होम टाउन में थे और वहाँ आप पता लगा कि आपका रिजल्ट आ गया, फिर वहाँ से फिर आप डेली आए हो प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? हाँ, मतलब तुरंत आ गए थे कि मतलब रिजल्ट हुआ उसके बाद 2-3 दिन बाद में दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गया, क्योंकि इंटरव्यू में लगना जरूरी था, सभी भी हो सकता था और इस बार तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट है, लोग किए हैं 2 जनवरी से स्टार्ट था, तो मैं आ गया और आकर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग गया। तो ये ब्रो इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए जो आपका, तो लगता है कि शायद आपका इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है ना सर? हाँ, 1 फरवरी को मेरा इंटरव्यू हो चुका है इस बार। तो ब्रो ये आपका 1 टाइप को इंटरव्यू हो गया, तो आपको तो काफी कम टाइम मिल रहा प्रिपरेशन को लेके, इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए। तो आपने ये जो 1 महीने में आपने पहले भी मतलब पहले से माइंड में यूपीएससी का जो प्रिपरेशन इंटरव्यू स्टेज का होता है उसके लिए, मतलब कैंडिडेट या एस्पिरेंट को कब करना चाहिए तैयारी, मतलब आपको ऐसा लगा कि आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम फील हो रहा था? देखिए मैंने जैसे मैंने बोला पहले बताया कि पहले भी मैंने दिया था 21 में, तो उसमें मेरे पास समय बहुत कम था, इंडियन की 15-20 डेज के बाद मुझे देना था इंटरव्यू। तो अगर उससे कंपटीशन में देखते इस बार तो ज्यादा ही टाइम था, ज्यादा टाइम, 8 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद अगर
आपको 40-50 दिन मिलते हैं, पूरा जनवरी था मेरे पास, तो मुझे टाइम बहुत कम नहीं लगा, मुझे लगा कि चलो पर्याप्त है इससे। अगर हाँ जनवरी पड़ता शुरुआती 10-15 जनवरी तक पड़ता तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन जनवरी पूरा था मेरे पास, तो मैं दिसंबर में थोड़ा कम, लेकिन जनवरी में 1 महीना तैयारी किया, मुझे लगा कि पर्याप्त है, एक बार आपके पास एक्सपीरियंस है एक बार का, तो टाइम पर्याप्त था और सही गया इंटरव्यू मेरा, अच्छा। सेटिस्फेक्ट्री गया है। तो इब्रो आपने कोई मॉक टेस्ट भी दिया था क्या इंटरव्यू के दौरान, मतलब हाँ कि मॉक कितने मॉक टेस्ट दिए आपने एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले? मैंने 8 मॉक दिया था, 8 मॉक आठ दिया। मॉक दिया था, कुछ कोचिंग में मैंने दो दो दिया, जैसे हाँ बाजीराव है अच्छा या तो बाजीराव रेड्डी है, इसमें मैंने दो दो मॉक दिया, बाकी में एक, तो 8 मॉक मैंने कुल दिए थे। इन टोटल ब्रो ने 8 मॉक दिया था, और 8 मॉक देने के बाद ये लोग इन एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में अपियर हो गए गाइस। तो वही है गाइस, इनका जो जर्नी था इंटरव्यू का वो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है गाइस। तो अभी और डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के बारे में, इनका क्या मतलब क्या रहता है। तो ये संदेश ब्रो, ये जो जैसे आपका 1 फेब को इंटरव्यू था, ठीक है, तो 1 फेब को इंटरव्यू था, तो आपको जैसे 31 जैन को, मतलब इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको एंग्जाइटी फील हो रही थी, स्ट्रेस में थे कि मतलब काफी एक्साइटेड थे इंटरव्यू देने के लिए, तो मतलब कैसा था, मतलब आपका मतलब थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे थे, मतलब कि आप कैसा मतलब फील कर रहे थे उस टाइम 31 को नाइट को जो आपने दिया देखिए क्या है कि इतना बड़ा एग्जाम है और इंटरव्यू तो बाद की बात है, प्रीलिम्स में भी हमें जस्ट एक दिन पहले डर लगता है, सबको लगता है, एनर्जिटी होता है, ऐसा है कि आप उसको जीरो नहीं कर सकते हैं, एनर्जिटी का लेवल जो है जीरो नहीं होगा आपका, था? अच्छा अगर जीरो है तो कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ या तो आप लाइक सीरियस नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल टू बी एंड फील हाँ, एनर्जिटी एंग्जाइटी। होना है, नेचुरल है कि होगा, अब हमारा तरीका है कि हम उसको कंट्रोल करते हैं, अच्छा चाहे एक दिन 2-3 दिन पहले से तो आपको थोड़ा ब्रो डर आप लगेगा कि मुझे जाना है, मुझे पिछली बार वाली बातें याद आ रही थी, जाना है ऐसे वो ले जाते हैं, गेट से एंट्री होगा फिर अंदर, तो एनर्जिटी होगा सबसे ज्यादा, तब होता है जब आप यूपीएससी में इंटर करते हैं और आपको बुलाया जाता है कि चलिए आपका नंबर आ गया है, अच्छा उस टाइम पीक लेवल पे तो एंग्जाइटी उस होता है। समय बहुत ये होता है कि अब तो जाना है मुझे लेकिन ये है कि एनर्जिटी को कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत होगा उसको कंट्रोल करना है, कोशिश करना है कि वो ऐसा ना हो कि सामने वाले को दिखे कि बिल्कुल आप घबरा गए हैं, आप बोर्ड में जाते हैं तो आपके पैर हाथ कांपने लगे, ऐसी चीजें ना हो, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा चलेगा बहुत एनर्जी चलेगा मतलब हाँ, नेचुरल है वो वो। नेचुरल है, वो तो नेचुरल होना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप नर्वस हो जाएं, आप सवाल समझ ना पाए, उसका आंसर नहीं कर पाए, आपको आ रहे हैं फिर भी आप इतना घबरा गए हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो आप कंट्रोल करेंगे वो हो जाता है प्रैक्टिस करने से, इसीलिए हम लोग मॉक देते हैं, मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, एनर्जिटी जो हो धीरे धीरे खत्म हो, बोर्ड में जाने से हमको डर ना लगे, क्योंकि वहाँ पे IAS लोग रहते हैं, यूपीएससी के मेंबर है, वो भी IAS है तो और ब्रो भी। मेरे को आप ये बताइए कि जैसे आप इंटरव्यू बिल्डिंग ढोलपुर हाउस गए, ढोलपुर हाउस जाने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस बताइए, मतलब कि आप मतलब क्या क्या एस्पिरेंट को ले जाना पड़ता है इंटरव्यू के दिन, जिस दिन जाता है हेड देखिए उसमें 5 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है, अच्छा एक तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है, आधार है, पैन, कुछ भी हो सकता है, ओके एक समन लेटर जो यूपीएससी भेजता है ओके जस्ट कॉल लाइक कॉल लेटर है, ये इट दो चीजें आपको एंट्री के लिए, गेट पे जो एंट्री होता है उसके लिए जरूरी है, अच्छा उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपका 3 चीज वेरीफाई किया जाएगा, एक आपका डिग्री, बैचलर का डिग्री, दूसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस अच्छा ओबीसी कुछ भी है तो, दूसरा और तीसरा 10th का सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, ये मात्र 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, 10th का सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डिग्री, बस ये 5 चीजें आपको लेकर जाना ले होता है, जाना पड़ता वो है वेरीफाई करते हैं और खींच कुछ एक एक फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पे, डिक्लेरेशन फॉर्म में सब भरवाया जाता है, 30-40 मिनट में सब होता है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो ब्रो आप जब इंटरव्यू में एंट्री किए थे, जब आपका टर्न आ गया था एंट्री टाइम, तो ब्रो आप गए थे तो मतलब कितने मेंबर होते हैं इंटरव्यू के पैनल में? पैनल में 5 लोग होते हैं, जनरली अच्छा पैनल में 5 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं यूपीएससी के मेंबर हैं, यूपीएससी के जो है कमीशन है, 5-6 लोग हैं उसमें, तो जो कमीशन मेंबर जो है पैनल का चेयर होते हैं, और बाकी 4 लोग होते हैं, अच्छा 4 लोग में कुछ केंद्र सरकार के सचिव, सेक्रेटरी, एक दो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वाइस चांसलर भी बुलाए जाते हैं, ये लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। 5 लोग। तो ये ब्रो आपका जो इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू ब्रो मतलब कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में ब्रो, इस साल का फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे हॉबी से ही आ गया, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया कि सर पढ़ाई के अलावा हिंदी संगीत सुनने में रुचि है, तो मैंने स्टॉप किया इंट्रोडक्शन, वहां से सर ने पूछ लिया, अच्छा आप संगीत सुनते हैं, दिनेश दासा सर का बोर्ड था, तो अच्छा सर ने कहा कि आप संगीत सुनते हैं तो मुझे बताइए कि 1970s 1980s में गाने आते थे
वो बहुत ही वर्गीय होते थे, आज भी हम उन्हें सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मधुर होते हैं, आज भी लोग सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ताजगी वही है, उतना ही आनंद देता है। लेकिन जो आज की हम गाने सुन रहे हैं, जो अभी बन रहे हैं गाने, तो एक दूसरे बात कोई इन्हें सुनता नहीं, ऐसा लगता है कि ये गाना लोग भूल ही गए हैं। लाइफ स्पेन बड़ा छोटा है इन सब गानों का, नए गाने आज जो भी नए गाने आ रहे हैं लाइफ स्पेन छोटा है, 2-3 साल में खत्म हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है संदेश की आज वैसे गाने नहीं बन रहे हैं, इवरग्रीन सॉन्ग आज नहीं बन रहा है, इससे पीछे क्या ब्रो आपका आंसर क्या था इस पे? मैंने बताया कि एक तो थीम गानों के थीम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे उस समय देशभक्ति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम था और देशभक्ति के गाने आते थे, जैसे मेरे देश की धरती और भी कई सारे मेरे वतन के लोग, तो देशभक्ति एक स्ट्रॉन्ग थीम था और ऐसा चीज है जो किसी भी देश में हमेशा रहेगा, ये तो खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो रहे देशभक्ति रहेगी हमेशा, तो इसके कारण की वृद्धि। दूसरा था कि उस समय के गानों पर लिरिक्स पर बहुत जोर दिए जाते थे, लिरिक्स बहुत ही क्लियर होते थे, उनका मीनिंग होता था बहुत ही, तो इसके कारण भी वो गाने आज भी अच्छे लगते हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, मीनिंग बहुत क्लियर था, जबकि आज के गाने सुनते हैं तो लिरिक्स बड़ा कम हो गया है, म्यूजिक का ज्यादा रोल है, लिरिक्स कई बार पता नहीं चलता, और थीम भी बदलाव हो गया, लव थीम हो गया, हल्के गाने आने लग गए हैं जिनके मतलब कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ये सारी चीजें रही जिसके कारण तो मतलब फर्स्ट पिक तो आपका निकल गया था एंड। तो ऐसे मैंने सर कुछ और भी सुनना चाहते थे तो मुझे लगा कि वो शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ब्रो आपका इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट था सर ने पूछा चेयरमैन पर्सन लास्ट में, अच्छा मतलब चेयरमैन सर स्टार्ट करते हैं और एंड भी चेयरमैन सर करते हैं, एंड भी वो लास्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन हमसे वो क्वेश्चन पूछे सर की, अच्छा बताइए कि जीआई टैग क्या होता है, चेयरमैन सर ने पूछा था जीआई टैग क्या होता है, मैंने बताया जीआई टैग, उसके बाद पूछे कि आप बिहार से हैं तो बिहार का 3 GI tag बताइए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। लास्ट क्वेश्चन सही था, बढ़िया था, मतलब इजी था लास्ट क्वेश्चन तो। हां मतलब पॉजिटिव एंड पे आपका इंटरव्यू खत्म होता है, ओवरऑल ग्राइंड ठीक रहा इस पर आप मतलब काफी होपफुल हो। नहीं चेयरपर्सन के क्वेश्चन थोड़े से मुझे परेशान किए, अच्छा लेकिन बाकी 4 लोगों का क्वेश्चन मैंने बहुत कंफर्टेबली आंसर दिया, और चेयरमैन का जब खत्म हुआ उनका अपना क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में पूछे, जिसमें 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आया अच्छे से, अच्छा मैनेज नहीं कर पाया, तो सर ने कहा कि इतने सर की देखिए समझ सर घबराइए बिल्कुल नहीं कि आप इंटरव्यू देने आए हैं और एक तो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपसे सारा क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा ये हो गया, लेकिन बाकी 4 लोग मेरे बाद भी 4 लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अगर बाकी 4 लोग का आंसर आप सही से देते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा सर ने ऐसे बोला। वाओ मैन क्या चेयरमैन मिला था मतलब को, चेयरमैन सर ने रिलैक्स कर दिया सर ने, मैं बस हो गया कि चलो 4 लोग के वो खुद ही बोला कि बाकी 4 लोग का आंसर देते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा और उसके बाद बाकी जो 4 लोगों ने पूछा तो क्वेश्चन बड़े इजी भी थे और मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया मुस्कुराते हुए, लास्ट में जब लास्ट मेंबर ने कुछ सवाल किया 5वां मेंबर, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि आप अच्छा आंसर दिए हैं, और जब मैं चेयर छोड़ रहा था इंटरव्यू मेरा ओवर हो गया, सर बोले कि थैंक यू आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, तो मैं चेयर छोड़ रहा था बाहर निकलने के लिए, तो एक मेंबर ने बोला कि संदेश से आप अच्छा किए हैं, तो मुझे लगा कि ईश्वर से ब्रो। तो गाइस पापेश्वरी पे जो गेस्ट है वो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है ब्रो, तो मुझे उम्मीद है कि ईश्वर फोड़ेंगे ब्रो, लिस्ट में तो होना चाहिए, ईश्वर लिस्ट में नहीं आपका आ रहा है तो प्रॉपर आईएस मिलेगा ब्रो, आई एम होपफुल विद दैट। जैसा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अभी उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपको इस बार प्रॉपर आईएस मिल सकता है, हाँ। सो संदेश ब्रो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो ब्रो आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएस इंटरव्यू दिया था गाइस इन्होंने, और ये थर्ड अटेम्प्ट था इनका, सेकंड टाइम इंटरव्यू था इनका, तो ब्रो ये यूपीएससी का जो जर्नी है ब्रो आपका वो काफी मुझे यूनिक और स्पेशल लग रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गए थे, तो ब्रो आप मुझे आप थोड़ा ये बताइए कि यूपीएससी जो जर्नी है ना ब्रो वो मतलब कि कितना हार्डशिप वाला और कितना चैलेंजिंग है, और मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ ओवरऑल कि आपका ये यूपीएससी का जो जर्नी है और यूपीएससी का जो थॉट है कि आपने कब स्टार्ट सोचा था पहली बार लाइफ में कि मुझे यूपीएससी दे रहा है और यूपीएससी का करियर परस्यू करना है, आपने ये फर्स्ट टाइम कब सोचा था? देखिए अगर सोचने की बात की जाए तो 10th के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया था इसके बारे में कि मुझे यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना तैयारी ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट किया है, मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हूँ, अच्छा। कॉलेज से, अच्छा। और ग्रेजुएशन के आते मेरा माइंड हो गया था कि तैयारी करना है मुझे यूपीएससी, मुझे बीटेक या सब मेडिकल में नहीं जाना था, तो ब्रो आप मुझे ये बताओ कि आपने 10th के बाद आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था बीटेक के लिए?
था। टेंथ में आपका क्या मार्क्स था? टेंथ में मेरा 95% थे। 95%। तो गाइस देख लो गाइस, 95% ऑब्टेंड करने के बाद भी ब्रो ने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया था, जस्ट क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि यूपीएससी परस्यू करना है इन फ्यूचर। सो इन्होंने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस नहीं लिया था गाइस, इन्होंने आर्ट्स लिया था। तो ब्रो मेरा झुकाव थोड़ा ह्यूमैनिटीज की तरफ अच्छा रहा था, शुरू से शुरू से मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा नहीं, बट फैमिली सोशल का साइंसेस की तरफ रहा, अच्छा तो ब्रो, इनको लगा आपको फैमिलीज वाले तो बोलते होंगे ना कि आप क्यों लिए हो, आप इतना तो ये सारे लोग बोले कि अरे मूर्खो तुम, और कि साइंस लोग ये तो कमजोर बच्चे लेते हैं, आर्ट्स तुम क्या कुछ नहीं करोगे, तुमको पढ़ने का मन नहीं है, ऐसी बातें आई मेरे सामने। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, अच्छा बोलने के लिए तो लोग बोलेंगे, लेकिन मैं सोचा कि नहीं छोड़ो, मेरा अपना डिसीजन है और इसको मैं सही साबित करूंगा आने वाला टाइम में। अच्छा ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन था, आपका हाँ इसमें मेरा अपना फार्मा डिसीजन है, मैं बहुत सारे खिलाफ थे इसके, मेरे घर के लोग भी और रिलेटिव्स भी, लेकिन मैं सोचा मेरा अपना डिसीजन है, मैंने लिया और मुझे विश्वास है कि बहुत हद तक मैं इसमें कामयाब रहूंगा, इसको सही प्रूफ कर दूंगा, और मैं किया भी, तो तो इसलिए मैं आर्ट्स लिया और आगे पढ़ाई जारी रखा। ब्रो आपका ग्रेजुएशन जो था 12th के बाद, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी में किया है, ज्योग्राफी ऑनर्स किया किरोड़ी मर्कोलस। किरोड़ीमल कॉलेज से आपने ज्योग्राफी कर रखा। तो ज्योग्राफी लेने का कारण ब्रो, मतलब कि आपने ऑप्शन भी डिसाइड कर लिया था क्या 12th के बाद? देखिए एक कारण तो ये था कि मैं 12th में जब था तो तीन मेरे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो उसमें एक इकोनॉमिक्स था, दूसरा हिस्ट्री था और तीसरा ज्योग्राफी था, तो अभी था कि तीन ना पढ़े हैं तो आगे कंटिन्यू इसी में करना था मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो मैं सोचा कि इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ऐसा अच्छा लोग बोलते हैं उसके लिए मैथ की जरूरत पड़ती है, मेरा मैथ 11th 12th में था नहीं, तो अच्छा कुछ लोगों ने बोला उसके लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है ग्रेजुएशन में, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो मैं छोड़ दिया कि चलो। दूसरी दूसरा बात है कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री थोड़ा मुझे लगा कि इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा है, ऐसा कुछ जो लोग मान रहे हैं, तो इसी कारण मेरा बचा ज्योग्राफी, तो मुझे लगा ज्योग्राफी थोड़ा सही है, थोड़ा साइंस की तरफ भी है, मुझे साइंस आता था 10th तक, मेरा साइंस मैथ्स अच्छा था, वो था कि मुझे सोशल साइंस में आगे करना था, तो ज्योग्राफी मुझे थोड़ा सही लगा, लॉजिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा साइंस की तरफ भी है, तो रटने वाली चीजें कम है, तो मुझे लगा चलो ज्योग्राफी से आगे बढ़ते हैं। तो आपने तीन तीन चॉइसेस था ब्रो के पास, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो फाइनली इन्होंने ज्योग्राफी लिया और परस्यू किया बीए इन्होंने ज्योग्राफी में। तो ब्रो आपने ज्योग्राफी ले लिया, तो 3 साल आपने ज्योग्राफी पढ़ा। और उसके बाद ब्रो आप जो यूपीएससी का जर्नी था, तो यूपीएससी जर्नी के लिए आपने कोई कोचिंग का हेल्प भी लिया था क्या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? हाँ ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट में और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग की है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अच्छा मैं बाजीराव एंड रवि से कोचिंग किया ज्योग्राफी की फोर्थ सेमेस्टर में, तो ये मैंने कोचिंग लिया है। जीएस में मैंने बहुत हद तक अपने से किया, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैंने कोचिंग लिया, क्योंकि ऑप्शनल आपके अच्छे होने चाहिए, सिविल अच्छा सर्विस में ऑप्शनल जो है डिसाइडर होते हैं, तो ये आपके अच्छे हैं तो आपको हेल्प मिलेगा, और बाकी जीएस का मैंने बहुत हद तक किया, कुछ हेल्प लिया ऑनलाइन क्लासेज का या फिर कुछ कोचिंग मटेरियल का हेल्प लिया विजन का, लेकिन ये ज्योग्राफी मैंने इसके लिए क्लास लिया। इम्प्रूव का एक्सपीरियंस भाई ने शेयर किया, काफ़ी जेन्युइन एक्सपीरियंसेस शेयर किया भाई ने। तो गाइस अब हम लोग पापा सॉरी पे रैपिड फायर राउंड करेंगे गाइस, और इसमें काफ़ी रैपिड फायर राउंड है, तो ब्रो से क्विकली आंसर एक्सपेक्ट करेंगे इस राउंड में। तो संदेश ब्रो वेलकम टू रैपिड फायर राउंड ऑन पापा सॉरी। तो संदेश ब्रो मैं रैपिड फायर राउंड का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने यूपीएससी मेंस लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ किया था? जी वो हौसल वाले पेन मैंने यूज किया था, एक्स्ट्रा मतलब हौसल जरूर पर तीनों मेंस के लिए, दोनों मेंस के लिए नहीं, इस बार के लिए हौसल मैंने यूज किया था, पिछले बार मैंने लिंक किया था, लिंक लिंक किया? वाला पेन। अच्छा। तो अब ब्रो अब ये बताओ कि प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सेकंड रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन ये है कि आप प्रीलिम्स एक्चुअल एग्जाम देने से पहले प्रीलिम्स का आपने कितने मॉक दिए थे? 1 25 लिया था, 25 मॉक्स। ओनली एक कोचिंग का दिया था आपने? नहीं 2 क्वेश्चन का, इस बार मैंने विजन कर दिया था और 2-4 मैंने फॉर्मलाइज कर दिया था, और मेंस मॉक टेस्ट आपने कितने दिए थे एक्चुअल मेंस से पहले मेंस मैंने 33-34 पेपर लिखा था, जीएस के ही, या ऑप्शन जीएस मिला ऑप्शन मिला था, मिला आपके 33-34 पेपर ऑप्शनल था, के उसमें ऑप्शनल कितने थे? के आई थिंक 6-7 के आसपास थे, 6-7 आपने ऑप्शनल के लिखे थे, नहीं बाकी जीएस के बाकी जीएस के थे। ब्रो आपने इंटरव्यू का कितने मॉक दिए थे एक्चुअल मॉक से पहले? 8 8 8 मॉक दिए इंटरव्यू थे। में तो मैंने 8 लोग, सेम कोचिंग का था कि अलग कोचिंग का था? नहीं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का, जैसे बाजीराम का मैंने 2 दिया था, बाजीराम रेड्डी का 2 दिया, दृष्टि में दिया, रिमाना इसमें दिया, FT+, ऐसे 5-6 कोचिंग मैंने दिया था। अच्छा 5-6 क्वेश्चन।
तो ब्रो आप ये बताओ कि आप कौन सा आपका विच कैटरी इज योर फेवरेट कैटरी इन यूपीसी। अभी से मैंने अपना होम कटर चुना है बिहार। अच्छा अपने होम कटरी लिया है बिहार का, एंड विच सर्विसेज मतलब आईएएस को मैंने रखा है पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस। दूसरे पे आईपीएस। ओके ओके ब्रो, आप मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये पूछना चाह रहा था कि आप यूपीएससी के दौरान में गर्ल्स का कितना रोल रहा आपके लाइफ में, देखिए गर्ल्स का रोल नहीं है लेकिन एक दोस्त है मेरी, क्लोज गर्ल्स में। है। अच्छा क्या होता है तैयारी में बोरिंग हो जाता है कई बार, बोर फील करते हैं हाँ कि दिन भर बुक के बुक्स के साथ बैठे बैठे, तो कई बार लगता है कि थोड़ा दोस्तों से बात करके मन किया जाए। तो मैं अपने दोस्त हैं उनसे ही बात करता था और उनसे भी कभी कभी बात करता था, तो उनका तैयारी में रहा कि वो तो कॉपरेट की मुझे, और तो उनके लिए मैं धन्यवाद दूँ। उनको कहेंगे आप। तो ब्रो ये बताइए कि लोग बोलता है कि गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन के एज ए डिस्ट्रैक्शन काम करते हैं किसी प्रिपरेशन में, तो आपका ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मतलब पॉजिटिव वे में रहा आपका मतलब गर्ल्स हाँ में। मेरा पॉजिटिव रहा है। रैपिड फायर राउंड का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, और ये क्वेश्चन ये है ब्रो, आप ये बताइए मुझे कि अब बिहार का जो एनवायरमेंट है स्टडी का और यूपीएससी एस्पिरेंट जो डेली में एक्सपीरियंसेस करता है, तो इसमें आपको बेनिफिट ऐसा लगा कि एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर और रोल रहा हो हाँ आपके। देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है वो ओबीएसआई ओबीएससी का हब है, यहाँ पे सारा कोचिंग भी है, मुखर्जी नगर है, करोल बाग दो हब हैं, तो जो माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट है और कोचिंग्स भी है, कई सारी चीजें हैं जिसके चलते यहाँ रहना थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मतलब कम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट भी है, आपके साथ बच्चे हैं तो कभी हमें लगता है कि कंपटीशन है और आसपास कुछ बच्चे हैं तो सब डिस्कस भी कर सकते हैं, नई यही चीजें आपको सीखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट है। अगर हम घर दिल्ली पे में आपके रहने यहाँ पे देखें तो ऐसे तो हम लोग घर से भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों को थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सब हेल्प करेगा अच्छा यहाँ पे रहना। मतलब आप मानते हो कि मतलब अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो आपका पर्सनालिटी ऑब्वियस डेवलप है कुछ होता है, है। हाँ क्योंकि गांव में तो हम लोग रहेंगे तो गांव से वातावरण से हम लोग जाते हैं, अच्छा लेकिन शहर में अगर आप नए आए हैं तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि सीधी चल तैयारी में, तो एक तो आया आपको एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री है तो कोचिंग से हेल्प ले मॉक इंटरव्यू, ये सब सारी चीजें तो होंगी, यूपीएससी भी यही है। थैंक्स ब्रो कम फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी, और आपने जितना जेन्यून आपने बातें की हम लोग जर्नी को लेके, मुझे तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। इस साल आई एम होपफुल कि आप आईएएस बनते चलिए ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ब्रो थैंक यू ब्रो थैंक्स बाय। ओके ब्रो, तो ओके गाइस वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू ऑन पापा सॉरी, तो गाइस आप लोग देखिएगा इंटरव्यू को, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है क्योंकि काफी जेन्यून जर्नी शेयर किया है ब्रो ने। ओके गाइस थैंक यू।